नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। टेक एंड सोशल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा अगर आप कूलर खरीदना चाहते हैं तो किस तरह का कूलर आपके लिए बहुत ही सुटेबल होगा। कूलर चार तरह के होते हैं और ये मौसम पे डिपेंड करता है किस तरह का वेदर है, यानी ड्राई मौसम ज्यादा रहता है, ह्यूमिडिटी ज्यादा रहती है, रूम का साइज क्या है, किस तरह की वायरिंग अच्छी रहती है, किस तरह की वायरिंग बेकार रहती है, ये सारी चीजें मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, जिससे आप एक अच्छा सा कूलर अपने रूम के हिसाब से, रूम साइज के हिसाब से, मौसम के हिसाब से और वायरिंग के हिसाब से खरीद सकते हैं, जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। दोस्तों वीडियो को पूरा देखिए तभी आपको पूरा समझ में आएगा, और वीडियो को देखने से पहले लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों, बेल आइकन को प्रेस कर लें। चलिए दोस्तों मैं जल्दी से आपको बता देता हूं क्या क्या चीजें होती हैं इंपॉर्टेंट जब आप एक कूलर खरीदते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जान देते हैं कि कूलर कितने प्रकार का होता है। तो दोस्तों कूलर जो होता है चार प्रकार का होता है, जैसे एक पर्सनल कूलर होता है, एक डेजर्ट कूलर होता है, एक टावर कूलर होता है, एक विंडो कूलर होता है। तो इनमें अंतर क्या है तो मैं आपको बता दूं, जो डेजर्ट कूलर होता है वो 40 से 50 लीटर पानी की कैपेसिटी यानी टैंक कैपेसिटी रहती है और एक बहुत ही बिग साइज रूम यानी बिग से भी बिग साइज रूम या बरामदा हो गया उसमें लगाने के लिए डेजर्ट कूलर का इस्तेमाल करते हैं। ये अधिकतर उस कंडीशन मौसम में इस्तेमाल होता है जहां ड्राई मौसम ज़्यादा होता है, यानी बहुत ही गर्मी, बिना पसीने वाली जो गर्मी पड़ती है, सूखी गर्मी, उस तरह के ड्राई मौसम में ये कूलर बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है। और दूसरी चीज़ है इसको पूरे कमरे में हवा के लिए ज़्यादा यानी फैन कैपेसिटी बहुत बहुत ज़्यादा हैवी होती है, जिससे काफ़ी ज़्यादा हवा मिलती है। तो इसलिए डेजर्ट कूलर का इस्तेमाल किया जाता है बिग साइज के रूम में या थोड़ा सा बड़ा बरामदा टाइप का पोर्शन हो जो चारों तरफ से गिरा हुआ हो उसके लिए। और दोस्तों अब बात करते हैं पर्सनल कूलर की। पर्सनल कूलर उस लिए इस्तेमाल किया जाता है, पर्सनल कूलर में भी दो तरह के कूलर आ रहे हैं, एक टावर कूलर और एक पर्सनल कूलर। पर्सनल कूलर एक बिग मीडियम साइज रूम और एक छोटे रूम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये मेनली रूम को ठंडा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, मतलब इसकी जो फैन कैपेसिटी होती है बहुत ज़्यादा दूर तक नहीं होती, बहुत ज़्यादा हैवी नहीं होती, ये एक छोटे और स्मॉल रूम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसी की कैटेगरी में एक पर्सनल कूलर आता है। पर्सनल कूलर छोटा होता है वो और थोड़ा कम दूरी तक हवा फेंकता है और एक तरह से वो स्पेस मैनेजमेंट के लिए लगाई जाती है, यानी शॉप में लगा सकते हैं और या अपने कोई ऑफिस है वहाँ लगा सकते हैं। छोटा रूम है, छोटे और मीडियम रूम के लिए ही मैनली होता है और सामने एक फ्रंट में एक तरफ ही हवा आती है और स्पेस कम घेरता है, टावर की तरह होता है लंबा सा, तो उसको टावर कूलर कहते हैं। यानी पर्सनल और टावर कूलर में काफ़ी सिमिलरिटी है, बस स्पेस मैनेजमेंट दोनों में है। जो पर्सनल कूलर है वो डेजर्ट कूलर से थोड़ा सा ही छोटा होता है और नीचे रूम में ही रखा जाता है। पर्सनल कूलर एक लंबा सा होता है और कम स्पेस के लिए, एक आप उसे कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं, वो कम स्पेस लेगा। एक होता है विंडो कूलर, ये डेजर्ट कूलर की तरह ही होता है लेकिन डेजर्ट कूलर आपको घर के अंदर रखना पड़ता है और विंडो जो कूलर होता है उसे आप रूम से बाहर रख सकते हैं। तो वो होता है मीडियम साइज रूम और बिग साइज रूम भी होगा तो भी काम करेगा विंडो कूलर। तो ये बात हो गई इस तरह की। तो जो डेजर्ट कूलर है और विंडो कूलर है उसमें 40 से 50 लीटर की कैपेसिटी होती है पानी के टैंक की, और जो पर्सनल कूलर है और जो टावर कूलर है उसमें जो कैपेसिटी होती है उसमें 10 से 25 से 30 लीटर की कैपेसिटी टैंक की होती है। तो दोस्तों अब बात करेंगे कि रूम साइज क्या है तो किस तरह का कूलर ज्यादा परफेक्ट रहेगा। अगर आपका स्मॉल रूम है तो उसमें 10 से 15 लीटर टैंक कैपेसिटी वाला कूलर यानी पर्सनल कूलर ज्यादा ही इफेक्टिव है, या आप उसमें टावर कूलर भी लगा सकते हैं। इसके बाद आता है मीडियम साइज का रूम, जिसमें 20 से 25 लीटर की जो इसकी टैंक कैपेसिटी होती है उस तरह का कूलर बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है, चाहे आप विंडो में ले लीजिए चाहे आप पर्सनल में ले लीजिए। और इसके बाद आ रहा है लार्ज रूम, जिसमें कैपेसिटी होती है 30 से 35 लीटर वाला जो वाटर टैंक होता है उस तरह का कूलर एडजस्ट होता है, मतलब उस तरह का कूलर ज़्यादा अच्छा रहता है, आपको बार बार पानी भरने की जरूरत नहीं रहती और उसकी मोटर भी हैवी रहती है और काफ़ी दूर तक रूम में हवा चारों तरफ जाती है। इसके बाद आ रहा है वेरी लार्ज, जिसमें यूज होते हैं डेजर्ट कूलर। डेजर्ट कूलर में कई कैटेगरी है, छोटे डेजर्ट कूलर, बड़े डेजर्ट कूलर, तो बिग साइज मतलब लार्ज से भी एक्स्ट्रा लार्ज जो होते हैं रूम उसके लिए आप बिग साइज डेजर्ट कूलर इस्तेमाल करते हैं, जिसमें 40 से 55 लीटर की कैपेसिटी वाले टैंक होते हैं या उससे भी ज़्यादा हैवी आप बनवा सकते हैं। बहुत से आजकल कस्टम भी बने हुए आते हैं जिसमें आप टैंक कैपेसिटी और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। तो ये हो गया कूलर का साइज, यानी चार तरह के रूम, स्मॉल तो 10 से 15 लीटर, मीडियम तो 20 से 25 लीटर और लार्ज है तो 30 से 35 लीटर। अगर एक्स्ट्रा लार्ज है, बहुत ज़्यादा स्पेस के लिए बनवा रहे हैं, तो आप मिनिमम
40 से 50, 55, उससे ऊपर जितना भी लेटर जाना चाहेंगे वो इस रूम में उस रूम के अकॉर्डिंग हो जाएगा। तो ये हो गया रूम साइज के अकॉर्डिंग। अब वो बात आती है दोस्तों कि जो इनकी बाइंडिंग होती है, जो कूलर में मोटर जो घूमती है और जिससे पंखा चलता है, उसमें दो तरह की बाइंडिंग होती है, कॉपर बाइंडिंग और एल्यूमिनियम बाइंडिंग। तो इन दोनों में क्या अंतर है, क्या मेजर डिफरेंस है, यह मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों जो कॉपर बाइंडिंग होती है और एल्यूमिनियम बाइंडिंग होती है, उसमें बहुत सारे डिफरेंसेस रहते हैं। जैसे कॉपर बाइंडिंग जो होती है उसमें हीट ट्रांसफ़र यानी हीट को सहन करने की क्षमता बहुत जल्दी होती है, वो हीट को काफ़ी ट्रांसफ़र करता रहता है और जल्दी से गर्म नहीं होता, फूकने का डर कम रहता है। एल्यूमिनियम जो ऑयल होती है उसमें हीट ट्रांसफ़र करने की या हीट कंज्यूम करने की कैपेसिटी थोड़ी कम होती है और वो फूकने का उसका जल्दी से खतरा रहता है। इसके बाद रिपेयर और रिप्लेसमेंट की बात करें तो एल्यूमिनियम कॉयल कभी भी फूक जाती है तो उसको बदलना ही पड़ता है, लेकिन अगर कॉपर कॉयल फूकती भी है तो आप उसको रिपेयर करा सकते हैं दोबारा से, मतलब जैसे रिपेयर का मतलब हो गया दोबारा से आप उसको बनवा सकते हैं, मड़वा सकते हैं, यानी बाइंडिंग दोबारा से करा सकते हैं उसी कॉपर कॉयल से। जो कॉस्ट होती है कॉपर कॉयल की वो एल्यूमिनियम से ज़्यादा होती है, क्योंकि उसमें काफ़ी क्षमता होती है, बहुत दिनों तक चलती है। जैसे मैं बात करूँ, अगर कॉपर कॉयल 3 साल चल रही है तो एल्यूमिनियम कॉयल 1-1.5 साल में ही जवाब दे जाती है। दूसरी चीज़ ये है कि ड्यूरेबिलिटी, तो मैंने जो बताया कि ड्यूरेबिलिटी कॉपर कॉयल में ज़्यादा होती है, एल्यूमिनियम कॉयल में ज़्यादा बहुत कम होती है, और बहुत जल्दी उसके चांसेस होते हैं ख़राब होने के और फूकने के। जो मेंटेनेंस होता है वो कॉपर कॉयल को आप दोबारा से उसको बाइंडिंग करा सकते हैं, रिपेयर करा सकते हैं, मड़वा सकते हैं, आपको रिप्लेस करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन जो एल्यूमिनियम कॉयल है उसको आपको रिप्लेस ही करना है, वो बाइंडिंग नहीं होता, रिप्लेस ही होता है, यानी नई तार से दोबारा से उसकी बाइंडिंग होती है, दोबारा से सही होता है, तभी वो यूज होता है। इसलिए कॉपर कॉयल एक बार में थोड़े पैसे ज़्यादा लगते हैं लेकिन बाद में सुविधा ज़्यादा हो जाती है, और एल्यूमिनियम कॉयल में एक बार सस्ता लगता है लेकिन बाद में आपका दिक्कत होती है, तो वही दोनों पड़ जाता है। इसलिए कॉपर कॉयल को ज़्यादा लेना चाहिए, क्योंकि उसमें क्या होता है मोटर स्पीड भी अच्छी होती है, और मोटर स्पीड अच्छी होती है तो आपको हवा भी मिलेगी और बार बार उसको रिपेयरिंग में नहीं ले जाना पड़ेगा। अब दोस्तों बात करें, दो तरह के मौसम होते हैं, कहीं पे होते हैं ड्राई मौसम होता है, ड्राई वेदर कंडीशन होता है यानी उमस नहीं होती, कई जगह पे उमस ज़्यादा होती है। तो आप कूलर किस पर्पज़ से ले रहे हैं आप अपने एरिया को देखिए, यानी आपके एरिया में ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, उमस ज़्यादा होती है, तो आपको पर्सनल कूलर इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आपके एरिया में ड्राई मौसम है, ह्यूमिडिटी नहीं होती है और मतलब उमस नहीं होती है, तो आप डेजर्ट कूलर का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि डेजर्ट कूलर इस हिसाब से बनाए गए हैं कि वो थोड़ा सा ड्राई मौसम में ह्यूमिडिटी थोड़ा सा कर देते हैं ज़्यादा, अगर ह्यूमिडिटी पहले से ही मौसम है तो और भी ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो जाती है। साथ ही पर्सनल कूलर जो होते हैं वो अगर ह्यूमिडिटी वाला मौसम है तो उसको ड्राई करते हैं और ह्यूमिडिटी को कम करते हैं, इसलिए अगर ड्राई मौसम पहले से ही है तो आपका और भी थोड़ा सा मतलब जो एनवायरनमेंट है वो ड्राई हो जाएगा, इसलिए उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ड्राई मौसम के लिए डेजर्ट कूलर और ह्यूमिडिटी वाले मौसम के लिए आपका पर्सनल कूलर इस्तेमाल करना चाहिए। साथ ही और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, साथ ही मैं आपको बता देता हूँ, थोड़े से कंपेयर करता हूँ फीचर्स को डेजर्ट कूलर और पर्सनल कूलर के, कंपेयर करता हूँ। अगर मैं वाटर टैंक कैपेसिटी की बात करूँ तो जो पर्सनल कूलर होता है 20 से 30 लीटर की कैपेसिटी होता है, 35-40 तक भी जा सकता है, और जो डेजर्ट कूलर होता है उसमें 30-35-55 से ज़्यादा वाटर कैपेसिटी हो सकती है। इसके अलावा जो रूम साइज है, जो पर्सनल कूलर इस्तेमाल आते हैं स्मॉल रूम, मिड साइज रूम के लिए इस्तेमाल आते हैं, डेजर्ट कूलर मिड साइज से लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज रूम के लिए इस्तेमाल होते हैं। और जो यूजेज है, जो पर्सनल कूलर का यूज है वो है स्पॉट कूलिंग, यानी एक तरफ ही लगातार कूलिंग करता है, और जो डेजर्ट कूलर है वो चारों तरफ हवा बराबर डालता है जिससे पूरा कमरा अच्छी तरह से कूल हो जाता है। क्लाइमेट कंडीशन की बात करें तो पर्सनल कूलर ज़्यादातर काम करते हैं जहाँ पे उमस भरा मौसम होता है, ह्यूमिडिटी वाटर वेदर कंडीशन होता है, और डेजर्ट कूलर जहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती है, सूखी गर्मी होती है, ड्राई क्लाइमेट कंडीशन के लिए इस्तेमाल होते हैं। और टेम्परेचर की बात करें तो पर्सनल कूलर 30 से 40 डिग्री का अगर टेम्परेचर है उसको मेंटेन कर लेता है, और डेजर्ट कूलर अगर 35 से 50 डिग्री टेम्परेचर भी है तो उसको कूल कर देता है, मेंटेन कर देता है। कूलिंग एलिमेंट क्या है, तो दोस्तों पर्सनल कूलर जो इस्तेमाल होता है वो एक साइड ही ब्लोअर के लिए होता है, कि मतलब हवा एक तरफ ही आ रही है, और जो डेजर्ट कूलर होता है उसकी फैन कूलिंग चारों तरफ जाती है, तो वो मेन पर्पज उसका रूम को कूल करने का होता है। नॉइज लेवल क्या होता है, जो पर्सनल कूलर होते हैं उसमें नॉइज ज़्यादा होती है,
और जो डेजर्ट कूलर होते हैं उसमें थोड़ी सी मीडियम होती है। पंखे की ज़्यादा आवाज़ होती है लेकिन वैसी नॉइज कम ही होती है। दोस्तों अब लास्ट में, सबसे लास्ट में वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एसी से कंपेयर करूंगा कि एसी से कूलर क्यों ज़्यादा बेनिफिट है और क्यों ज़्यादा बेस्ट। बात करें अगर कूलर की तो जो कॉस्ट की बात करें तो कूलर में कॉस्ट कम लगती है, एयर कंडीशनर में ज़्यादा लगती है। अगर इंडोर क्वालिटी की बात करें तो कूलर में जो आपको मिलती है हवा वो फ्रेश कूल एयर मिलती है जो आर्टिफिशियल नहीं होती। एयर कंडीशन में आपको वही हवा बार बार सर्कुलेट होती रहती है रूम के अंदर एक हवा ही, तो वो जो रिसर्कुलेटेड ड्राई एयर मिलता है आपको। अब कूलिंग एजेंट की बात करें तो एयर कूलर केवल वाटर से कूल होता है, यानी कूलर से वाटर से कूल होता है, लेकिन एयर कंडीशनर में आपको वाटर से कूलिंग नहीं मिलता, उसमें कूलेंट एजेंट आते हैं, रेफ्रिजरेंट आते हैं, जैसे गैस होती है उससे जो एनवायरनमेंट है वो कूल होता है। मेंटेनेंस की बात करें तो कूलर की जो मेंटेनेंस होती है वो सिंपल और कॉस्ट इफेक्टिव होती है। एयर कंडीशनर की मेंटेनेंस आपको एक्सपेंसिव भी पड़ सकती है, यानी आपको ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं। पोर्टेबिलिटी की बात है, अगर आप किराए पर रहते हैं तो रूम कभी भी इधर से उधर शिफ्ट करना है तो कूलर आप कहीं भी ले जा सकते हैं, लेकिन एयर कंडीशनर आप एक जगह फिक्स रहता है, उसको दोबारा से इंस्टॉल करने में भी पैसे लगते हैं। और यूजेज की बात करें तो कूलर को आप बाहर भी रख सकते हैं, अंदर भी रख सकते हैं, बाहर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन एसी केवल इंडोर में ही, घर के अंदर ही, मतलब एक बंद वातावरण में ही यूज होता है। एनवायरनमेंट फ्रेंडली की बात करें तो कूलर ज़्यादा एनवायरनमेंट फ्रेंडली होता है क्योंकि उसमें से कुछ अलग से नहीं निकलता, आपकी जो हवा है वही पानी मिक्स होके आपको ठंडक मिलती है। लेकिन जो एसी में होता है वो होता है हाई कार्बन एमिशन, यानी उसके अंदर गैस होती है, कूलिंग एजेंट होते हैं जिससे रूम टेम्परेचर कूल होता है। अगर वेदर कंडीशन की बात करें तो दोस्तों कूलर जो होता है ह्यूमिडिटी कंडीशन और उमस के मौसम में ज़्यादा काम नहीं करता, लेकिन जो एसी होता है वो कैसा भी मौसम हो वो अपने एक एनवायरनमेंट बना लेता है और हमेशा काम करता है चाहे बाहर कैसा भी मौसम हो। तो ये सारी चीज़ें थी, तो दोस्तों ये सारी चीज़ें थी एक कूलर और एसी में, और कूलर कितने प्रकार के थे। अब आप आसानी से, अगर आपने पूरी वीडियो देखी तो अब आप आसानी से समझ गए होंगे किस तरह का कूलर आपके रूम के लिए सुटेबल है और कॉस्ट इफेक्टिव है, इससे आप ज़्यादा ही अच्छा कूलर खरीद पाएंगे अगर ये वीडियो आपने पूरी देखी है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे और भी लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें। और दोस्तों अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब बटन दिया हुआ है वहाँ पर क्लिक कर दीजिए, उसके बगल में एक बेल आइकन आएगा उस पर दोबारा से क्लिक कर दीजिए जिससे आपको मिलेगी इस तरह की और भी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, कमेंट जरूर करिए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो।